कवर करेंगे आसाम मेंस T20 ट्रॉफी का आज का दिन का एक और बेहतरीन T20 मुकाबला के बारे में, क्योंकि दोनों टीम ने एक एक मुकाबले ऑलरेडी खेली है टूर्नामेंट में। यहाँ पे सिटी क्रिकेट क्लब की टीम से ने खेली थी, जीती भी थी। मतलब ओवरऑल इनकी टीम बढ़िया टीम है, 139 रन कर रहे थे। बट इनकी टीम है ना जो LSC का टीम से, लेजेंड सपोर्टिंग क्लब की टीम से, टीम से ने 32 रन पे 10 विकेट गिरा था। बहुत वीक टीम्स हैं दोनों टीमों में, बड़ा अंतर है दोस्तों। सब चीज़ हमने क्लियर आपको किया है कि कौन कहाँ पे खेलेगा, कौन कितने ओवर डाल रहा है। प्लस में जब भी स्ट्रांग और वीक टीम के बीच में मैचेस होता है ना, वहाँ पे टॉस का बड़ा महत्व रहता है दोस्तों, ठीक। क्योंकि टॉस के अकॉर्डिंग टीम बनती है ना कि किन की टीम पहले बॉलिंग कर रही है, क्या कर रही है। अगर LSC टीम पहले अगर बैटिंग करती है तो फिर इनके बॉलरों को कैप्टन करना पड़ेगा, ठीक। जो मेरे प्रॉपर बॉलर है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। वो लास्ट टाइम आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, आप टेलीग्राम पे जुड़ो, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करो @FXBhat। हमने जैसा लिख रहा है दोस्तों, सेम टू सेम वैसा ही आपको लिखने हैं। 15,000 प्लस सब्सक्राइबर वाला चैनल देखने को मिलेगा, और आपने यहीं पे क्लिक करके जुड़ना। लास्ट टाइम में फर्दर अपडेट आएगी तो टीम हमारे टेलीग्राम पर ही दी जाएगी, इस चीज़ को आप ध्यान रख के चलिएगा। मैच रहेगा सुबह को 8 बजे, 8:30 बजे, ठीक है। पहला मैच 8:30 बजे रहता है, दूसरा मैच 1:30 बजे रहता है। वेन्यू सेम रहेगा, विकेट ओवरऑल हम बैलेंस करेंगे क्योंकि ज़्यादा अंतर है नहीं। जो बेहतर टीम से सिटी क्रिकेट के लगभग टीम से, इसी टीम को आप प्रेफर करिएगा। इनकी टीम ने पहले बल्लेबाजी करी थी, बैटिंग से भी रन करा था, विकेट इनका भी गिरा था 9 विकेट, लेकिन सामने वाला टीम का भी 9 विकेट इन्होंने गिराई थी। ओपनिंग करा के दिए थे अंकुशमान कुतानी, इनके साथ आए थे संजय सिंह। बात करेंगे अंकुशमान कुतानी की, बल्ले से 20 रन था। इनका T20 का रिकॉर्ड आप देखो तो इन्होंने 6 T20 के मैच में 78 रन करे हैं, ठीक। मतलब 12 के एवरेज से, तो क्या है ना कि रिसेंट में 20 रन करे हैं, खेल रहे तो ओपनिंग करा के दे रहे हैं, विकेट कीपर में अवेलेबल है, आप स्मॉली की टीम में उनको ले लो। संजय सिंह का रिकॉर्ड ठीक ठाक है, T20 में 23 मैच में 802 रन, 34 के एवरेज से 12 विकेट, 23 ओवर डाल के। संजय सिंह ने लास्ट लगे में 1 पे आउट हुआ था, लेकिन पल्ले ठीक ठाक है। आप स्मॉली और हेडविट की टीम में बॉलिंग सेशन से आप इनको लीजिएगा। हालांकि है बॉलिंग में, लेकिन बंदा ओपनर बल्लेबाज है। हर्षिकेश तामोली 25 रन कर रहे थे, प्लस विकेट कीपिंग करा रहे थे। सामने वाली टीम में वीक है उनका, तो भैया विकेट गिरेगा ही गिरेगा, तो इन्होंने आपको कच्चे और स्टम्पिंग से पॉइंटर्स देने हैं, इसलिए इनको रखना बनता है। रोहान हजारिका ने 6 रन करा था। लास्ट ईयर असम T20 में 2 मैच में 21 रन था, इनको छोड़ो क्योंकि सामने वाली टीम से ज़्यादा रन बनेगा नहीं। सिद्धार्थ शर्मा 30 रन, 2 विकेट, 4 ओवर डाल के। इन्होंने असम T20 का टूर्नामेंट खेला था 21 के अंदर, 7 मैच में 13 विकेट था भैया, 28 ओवर डाल के। कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी का सेफ ऑप्शन सिद्धार्थ शर्मा रहेगा, ऑलराउंडर सेक्शन में मतलब अवेलेबल है। मयूख हाजिर का 6 रन करा था, 5 विकेट निकालते दोस्तों, 4 ओवर की बॉलिंग करा के। अगर आप सिद्धार्थ शर्मा को कैप्टन कर रहे हो तो इनको आप विशी करिएगा। फिर अगर वसाई विकेट निकालने वाले हैं क्योंकि LSC की टीम काफ़ी वीक है। संजीव बर्मन ने 8 रन करा था, वेदांत पांडे ने बॉलिंग नहीं कराई थी, लेकिन ये बॉलर है तो इस चीज़ को आप ध्यान रखकर चलो। प्रत्यय दास ने 4 ओवर डाली थी, आप इनको भी रखिएगा। प्राचीर चंगमाई ने भी 4 ओवर डाल के 2 विकेट निकाले थे। इनके टीम के 5 ही मेन प्रॉपर जो बॉलर यूज हुए थे ना, मैं उनके बारे में बता दूँ एक बार। एक हुए थे सिद्धार्थ शर्मा पहला, हजारिका दूसरा, ताजिंदर सिंह तीसरा, चौथा हुए थे प्रताय दास, पाँचवा हुए थे प्राचीर चंगमाई। तो इन 5 प्लस को आपको लेने हैं, जैसे कि अंकुशमानी कुतानी पहला, संजय सिंह दूसरा, हर्षिकेश तमुली तीसरा, सिद्धार्थ शर्मा चौथा, मयूख हाजिर का पाँचवा, ताजिंदर सिंह छठा, सातवां पिक करेंगे प्रताय दास को, आठवां अगर आपको लेना है तो प्राचीर को लीजिए। और लेना भी है क्योंकि सामने वाली टीम में वीक है, सामने वाली टीम से कोई उम्मीद नहीं रखना। बेंच वाले जो भी प्लेयर्स बैठे हैं, स्ट्राइस हमने निकाली है, वो भी T20 का फॉर्मेट का स्ट्राइस है, मैंने फॉर्मेट बाई फॉर्मेट एड करी है। सामने वाली टीम है LSC की टीम से, टीम ने अब तक एक ही मुकाबले के लिए जहाँ पर इनकी टीम से पहले बल्लेबाजी कराते हुए ना भैया 10 विकेट गिरा था 8.1 ओवर में। बहुत जल्दी विकेट गिरे रहे थे इनके, सामने वाला टीम 4.1 ओवर में 1 विकेट खो करके चेस कर ली थी, 9 विकेट से जीता था सामने वाला टीम ने। इनकी टीम को ओपनर थे होते दिलीप सिंह, इनके साथ आए थे मनीष दास। दिलीप सिंह ओवरऑल ठीक ठाक है, मतलब बल्लेबाजी करेंगे T20 में। इनका 13 मैच में 263 रन है, 20-15 स्कोरिंग कर सकते हैं, दमखम है, आप इनको थोड़ा देर के लिए ले भी सकते हो। लेकिन मनीष दास का रिकॉर्ड मेरे को सही नहीं लगा, मतलब T20 के अंदर 1 मैच में केवल 5 रन है, लास्ट लगे में 5 रन करा था। पार्थिव काश्यप शर्मा ने 7 रन करे थे, इनका T20 का रिकॉर्ड ठीक है, 32 T20 के मैच में 1228 रन, 45 कवरेज है, तो आप इनको कवर करो। नीलिम ज्योति शर्मा ने 4 रन करे थे T20 के अंदर, 59 मैच में 46 विकेट, 142 ओवर डाल के, तो बॉलिंग ये भी करनी चाहिए। हर्षवर्धन बासु मैत्री,
इन्होंने 2 ही रन करे थे T20 के अंदर, 23 मैच में 30 भी करे, तो बॉलिंग ये भी करनी चाहिए। देखो बॉलिंग इसलिए नहीं करा था ना क्योंकि इनकी टीम के केवल 4 ही ओवर हुआ था जब तक सनराइजर टीम नहीं जीतती था। मेन मेन जो बॉलर थे उनको बॉलिंग मिला ही नहीं था। विकेश कुमार दास ने 0 पे आउट हुआ था। विकेट कीपर बल्लेबाज आप इनको छोड़ो, उनके अलावा गुंजल दत्ता टीम के कैप्टनसी करा रहे लेकिन कोई खास है नहीं। बल्लेबाजी क्रम में है, 5 रन करा था। T20 का रिकॉर्ड इनका सही मेरे को लगा नहीं। नाबजीत नजेरी 0 रन 2 ओवर T20 के अंदर में 46 मैच में 36 विकेट 157 ओवर डाल के। अनुराग शर्मा ने 0 पे आउट हुआ था। सूरज गुडे ने 1 विकेट निकाल के गए थे। अलावा ज्योति गोस्वामी इन्होंने भी 1 ओवर डाली थी। रमेश दा का भी 1 ओवर डाले थे। देखो सेफ रहेगा वो मेरे हिसाब से रहेगा पार्थिव कश्यप शर्मा पहला क्योंकि इनका रिकॉर्ड सही है, नीलम ज्योति शर्मा दूसरा, और तीसरा हम यहाँ पर ट्राई करेंगे वो ट्राई करेंगे सूरज गुडे को, ठीक। चौथा अगर आपको लेना है तो गोस्वामी को ले सकते हो क्योंकि इनका ही रिकॉर्ड सही लगा इनसे, 7 मैच में 9 विकेट 20 ओवर को बॉलिंग करा के लवज्योति गोस्वामी का। बेंच वाले जो भी प्लस बैठे हैं वीक है, शाहिद अली का रिकॉर्ड मेरे को सही लगा, अगर ये खेलते हैं तो ट्राई कर सकते हो। विकेट कीपर सेक्शन में हर्षिकेश तामूली, उनके अलावा हम पिक करेंगे पी काश्यप शर्मा को। कोतानी भी ओपनिंग कर रहे हैं आप इनके साथ भी जा सकते हो। बल्लेबाजी क्रम में आएंगे, बल्लेबाजी क्रम में आपको लेने हैं दिलीप सिंह को ओपनिंग करा रहे बट कुछ खास फॉर्म में नहीं है। ऑलराउंडर सेक्शन में बासु मैत्री को पिक करने, सिद्धार्थ शर्मा, ताजिंदर सिंह, मयूक हजारिका, चेंगमाई लास्ट लगे में सब्ट्यूट में थे फिर भी इन्होंने 4 ओवर डाल के 2 विकेट निकाला था, तो सब्ट्यूट वाले भी प्लेयर्स को टीम बॉलिंग दे देती है। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पे हम आएंगे दोस्तों तो जी गौडे को पिक करेंगे, उनके अलावा आपको लेने पी दास को, और नीचे आपको एस बर्मन को ट्राई करना है। आप इनके जगह वेदांत पांडे को ले सकते हो लेकिन हमने यहाँ पे सिटी क्रिकेट का वाला को टीम को ना ना फेवर कर रहा है तो इसी टीम से हम ज़्यादा प्लेयर्स को ले रहे हैं। मैं सिद्धांत शर्मा को कैप्टन करूँगा क्योंकि ये बल्लेबाजी ऊपर करेंगे। मयूख हजारिका को मैं भीसी करूँगा। आप पी कश्यप की जगह पर किसी एक बॉलर को ट्राई कर सकते हो, वो भी आपके लिए सेफ रहेगा लेकिन पी कश्यप ओपनिंग करा कर दे रहे। उनके अलावा आप नाजरी को ले लो, शाहिद अली खेलेगा, शाहिद अली भी बढ़िया राउंडर है। डेमो टीम है पूरा कम्प्लीटली, आप टेलीग्राम पर जुड़ो, लास्ट टाइम फर्दर अपडेट आएगी टीम के साथ, आप वो टेलीग्राम पर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।